यस दयाल, इनको तो आप जानते ही होंगे। 2023 में ये जीटी की तरफ से खेलते थे एंड 2023 में जब जीटी वर्सेस केकेआर का मैच हुआ तो केकेआर को जीतने के लिए लास्ट ओवर में 29 रन चाहिए थे, तो रिंकू सिंह ने यस दयाल में 5 लगातार सिक्सेस लगाकर वो मैच जीत लिया था। 2024 में वो आरसीबी की तरफ से खेल रहे हैं और जैसा कि कल के मैच में आपने देखा ही होगा, आरसीबी को एक ओवर में 17 रन डिफेंड करने थे क्वालिफाई होने के लिए। तो यस दयाल बॉलिंग पे थे और एमएस धोनी बैटिंग, एंड एमएस धोनी ने यस दयाल की पहली बॉल पे सिक्स लगा दिया और स्टेडियम के बाहर बॉल पहुंचा, तो फैंस भी सोचने लगे ये मैच भी गया क्योंकि 5 बॉल में 11 रन ही चाहिए थे। तो यस दयाल ने नेक्स्ट बॉल पे एमएस धोनी का विकेट ले लिया और आरसीबी ने उस टारगेट को डिफेंड कर लिया। इसी पर यस दयाल के फादर प्राउड होते हुए बोले, जब यस दयाल को आरसीबी ने 5 करोड़ रुपए में, उनके रिलेटिव से बोल रहे थे आरसीबी फालतू का पैसा बहा रही है। आज जब यस दयाल ने नॉकआउट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस, मुझे कई सारे कॉल्स मैसेजेस एंड कांग्रेचुलेशंस आ रहे हैं। भाई यस दयाल ने आरसीबी के साथ क्या ही तो कमबैक किया, यस दयाल के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है।